मेरी क्या बराबरी करेगा बेटे तू, तो उनको मुँह लगाता है जिनको मैं घास पे नहीं डालती। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? दोस्तों आजकल हमें इंटरनेट पर ऐसे ऐसे अतरंगी नमूने देखने को मिल जाते हैं जो अपनी उल जलूल हरकतों से ना सिर्फ लोगों को हैरान करते हैं बल्कि हंसाते भी हैं। तो यार आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही नमूनों को लेकर हाजिर हैं जिन्हें इंटरनेट पर आजकल पापा की परियां और माँ के मगरमच्छों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी कारनामे इतनी फनी होती है जिन्हें देख आप अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका टाइटल है पापा की परी पार्ट 14। अब यार ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल की लड़कियां रील बनाने के चक्कर में इस कदर दीवानी है कि उन्हें रील के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? देखिए पाला भैया, डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है। मतलब यार इनको रील बनाने के लिए कोई और जगह ही नहीं मिली जो सुबह सुबह पहुंच गई खेत में। अब यार मिलो इस बंदे से जो पहली बार पार्क में दोस्त के साथ उस लड़की से मिलने आया जिससे वो पिछले 6 महीने से फोन पर बात कर रहा था। पर भैया यहाँ पहुंचकर इसके साथ क्या हुआ जरा आप भी देखिए। हे गाइस यार मतलब यार मेरा एक दोस्त है, इसको इंस्टाग्राम पे मानसी लड़की बात कर रही, बहुत ज्यादा बात कर रही यार, एकदम आई लव यू टू वाला प्यार हो गया यार। और कम से कम 6 महीने से बातें हो रही है, आज इसको जनेश्वर पार्क में मिलने के लिए बुलाया भाई। 6 महीने से इसने बहुत रिचार्ज करा उसका, कम से कम 6,000 का रिचार्ज ही करा दिया भाई। और बनता ये खड़ा यहाँ पर भाई, क्यों कैसा लग रहा है? मानसी आए कि नहीं यार? आए यार, रहा नहीं जाता। क्या बात कर रहे हैं, माँ का प्यार है, कैसे नहीं आएगी? नहीं आएगी मानसी भाई, नहीं आएगी मानसी, आएगी आएगी भाई। एक चीज बताऊँ मानसी, मैं ही हूँ। भाई साहब सच्चाई जानकर तो बेचारा सदमे में चला गया कि यार लड़की समझकर मैंने इस कमीने से पता नहीं क्या क्या बातें कर गया। अब भाई मिले इस मोहतरमा से जो सड़क से होकर कहीं जा रही थी कि तभी इन्होंने इस बंदे को पेड़ हिलाकर पैसे बटोरते देखा, जिसके बाद तो भाई साहब इन्होंने क्या किया जरा आप भी देखिए। मतलब यार इस परी के साथ तो भारी प्रैंक हो गया, क्योंकि पेड़ पर बैठा बंदा पहले से ही पानी और आटा लेकर तैयार था। अब यार मिलो इन महाशय से जो अपनी वाइफ को खाना खिलाने के लिए किस कदर पीछे पड़े हुए हैं। नो 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 भाई कैसी लगी, आगे स्वाद? मतलब यार पीछे खड़ी आंटी भी यही सोच रही थी कि इतना प्यार से तो हमें भी नहीं कभी खिलाया और यहाँ इसके मुंह में ठूसे जा रहा है। अब यार आज तक तो आपने ग्रेजुएट चाय वाली, मोमो वाली और बर्गर वाली को ही देखा होगा, पर भैया मिलिए इस जलेबी वाली से जो किस तरह पूरा सज धज कर जलेबियाँ निकाल रही है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब यार जलेबी के लिए लड़कों का रुझान देखकर यही लग रहा है जैसे जलेबी पर मक्खियाँ भिनभिना रही हो। अब यार मिलो इस चिमकांडे से जो गर्मी से बचने के लिए ऐसा अनोखा फैन लेकर आया जो इसी के साथ प्रैंक करना शुरू कर दिया। मतलब यार फैन के चलने का अंदाज देखकर तो यही लग रहा है कि ये हवा से ज्यादा डांस के मूड में है।
दोस्तों वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और हाँ, साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब भाई मिलिए इस परी से, जो स्कूटी लेकर पहुँची जब शॉपिंग करने, तो भैया ये स्कूटी को बाहर खड़ी करने के बजाय ये सीधे स्कूटी सहित घुस गई मॉल में। भाई साहब, यहाँ गलती लड़के की नहीं बल्कि इस मॉल वालों की है, क्योंकि इन लोगों ने पार्किंग में भी मार्बल लगवा दिया था, इसलिए बेचारी का पैर वाला ब्रेक काम ही नहीं किया। अब यार मिलो इस झिंगुर लाल से, जो रात में 1 रुपए के सॉस के लिए ये तुरंत एक नहीं बल्कि 3-3 पुलिस की गाड़ी को बुला लिया। हाँ जी सर, 112 पे कॉल कर दिया आपने? है? 112 पुलिस की कॉल कर दी। 112 पर कॉल मैंने, जब मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है उस चक्कर में किया मैंने। बढ़िया किया आपने, पर जब मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है उस चक्कर में किया मैंने। एक बार कॉल तुमने तीन गाड़ी इनको कॉल कर दी, तीन गाड़ी आ गई, एक ये खड़ी। जी सर, जी सर। एक ये खड़ी। जी सर, ओके ओके। एक बाहर खड़ी है। ओके ऑलरेडी। अब तीन गाड़ी को कॉल कर दी तुमने 1 रुपए की सॉस के पीछे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई साहब, इसके बोलने का अंदाज देखकर तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसके साथ कोई अन्याय कर भी पाएगा। अब यार मिलो एक और परी से, जो दुकान पर पहुंची जब मैगी लेने, तो भैया इन्होंने दुकानदार से कुछ ऐसा बोला जिससे उन दुकानदार के होश ही उड़ गए। भैया एक पैकेट मैगी देना। 2 मिनट रुको। अरे नहीं भैया, बनाओ मत, ऐसे ही दे दो। मतलब यार देख रहे हो दीदी का दिमाग। भाई साहब, इनके इसी टैलेंट की वजह से ही लोग यही बोलते हैं। निकल यहाँ से, निकल। अब भाई मिले इस बंदे से, जो दोस्त के साथ जब कार में बैठकर कहीं जा रहा था, कि भैया तभी ये रास्ते में इस बंदे के ऊपर पानी फेंक कर मस्ती करने लगता है, जिसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। खत्म, बाय बाय, गुड बाय, गया। भाई साहब, इसलिए कहते हैं कि ऐसे दोस्तों से जरा बच के रहना, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब भाई मिलो इस तेजस्वी परी से, जो रेलवे क्रॉसिंग से होकर जब कहीं जा रही थी, कि भैया दूर से आ रही ट्रेन को देखकर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। अब भाई मिले इस माँ के मगरमच्छ से, जो सड़क से होकर कहीं जा रहा था, कि तभी रास्ते में इसको पैसे गिरे दिखे। पर भैया जैसे ये पैसे को उठाने वाला ही था, कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख बंदे की हवा निकल गई। नो 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 नो। पापा अमेरिका। भाई साहब, इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी सड़क पर गिरे पैसे उठाने की गलती करेगा। तो हाँ यार, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।